उधर बहराइच में वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीम्स लगी हुई थी, पांचवे भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में कैद ये आदमखोर न जाने कितने लोगों पर हमला कर चुका था और बहुत ही कड़ी मेहनत लगी। नतीजा ये रहा कि ये आदमखोर आखिरकार शिकंजे में आ गया। हालांकि अभी एक और आदमखोर है जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पांचवा आदमखोर भेड़िया। बताया जा रहा है कि दो से तीन संख्या और हो सकती है जो अभी तक खुले घूम रहे हैं, जिनमें से एक पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों के सहारे इसको घेर लिया था और उसके बाद वन विभाग की टीम ने इसको सफलतापूर्वक जो है वो पिंजरे में कैद कर लिया। तो भेड़िया पिंजरे में आ चुका है। आप देखिए, पिंजरे में आने के बाद भी जो है इसका हिंसक स्वभाव साफ स्पष्ट है। ये किस तरह पिंजरों के जो ग्रिल है उसको भी काटने की कोशिश कर रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर जब ये पकड़ा गया था, लाठी डंडों से ग्रामीण ने घेर लिया था इसको, हाथ पैर बांध करके डंडों पर जाल के सहारे लटका करके पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया। पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है। हमने छह पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से पांच पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको इस निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा। लंगड़ा नहीं है ये। निश्चित तौर पर 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और राहत की सांस हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में भेड़िए की दहशत बनी हुई थी। कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया छत पर जा रहा है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने यहाँ हमला किया है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने जो है पशुओं पर हमला कर दिया है। तो तमाम तरीके की खबरों के बीच में आखिरकार आज सुबह जब भेड़िए को पकड़ा गया तो इन 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और ये सभी ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी बहुत जल्द छठवें भेड़ियों को, इसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है, वो पकड़ा गया है। कह सकते हैं कि आज तगड़ा सरदार पकड़ा गया है और बहुत जल्द लंगड़ा सरदार भी पकड़ जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 बहराइच। अब एक बार फिर से देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरह से इसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है और सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं। 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ये लोग कई महीनों से कर रहे थे। और इससे पहले चार भेड़िया और पकड़े जा चुके थे, लेकिन ये पांचवा भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा था, अलग अलग गांवों में घूम करके अटैक कर रहा था, कभी बकरी और कभी पशुओं पर भी ये भेड़िया अटैक करता था, ये पांचवा भेड़िया ट्रैप कर लिया गया है। और इस भेड़िए को आप देख सकते हैं कि अब ये भेड़िया कितना शांत दिख रहा है, बिल्कुल शांत पिंजरे में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को पकड़ा है। न्यूज 18 की टीम लगातार इस कछार के क्षेत्र में घूम ही रही है। कछार के क्षेत्र में हम लोग लगातार हरिबख्श का पुरवा और सिसैया चूड़ामली सहित तमाम गांवों में घूम रहे थे और लगातार यहां ड्रोन उड़ा करके भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वन विभाग की अधिकारी रेणू सिंह का कहना है कि ड्रोन की वजह से भेड़िया इतना समझदार प्राणी है कि वो समझ जाता था कि लगता है कि उसके इलाके के जो और भेड़िए गायब हुए हैं वो इसी मशीन की वजह से, इसी आवाज की वजह से गायब हुए हैं, इसीलिए वो थर्मल ड्रोन जैसे ही उड़ता था वो अपना ठिकाना बदल लेता था। लेकिन इस बार वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन का सहारा नहीं लिया बल्कि पग चिन्हों का सहारा लिया, भेड़िए की पग चिन्हों का सहारा लिया गया और जो देसी तरीका है, देसी तरीके से वजह से ही ये भेड़िया पकड़ा गया है। और खबर जौनपुर से, लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। 4 लेन के फ्लाईओवर पर चढ़ा, पुलिस के सामने उसने छलांग लगाई और बच्चा चोर समझकर उसको दौड़ाया गया था और बचने के लिए उसने फ्लाईओवर की ग्रिल पर से छलांग लगाई। 4 लेन के फ्लाईओवर पर चढ़ गया एक लड़का, उसको बच्चा चोर समझा गया था और लोगों ने उसको दौड़ा लिया था और अपनी जान बचाने के लिए वो जो है फ्लाईओवर पर चढ़ गया और उसकी ग्रिल से उसने पुलिस के सामने ही छलांग लगाई। ये देखिए किस तरीके से पूरी घटना हुई है। ये लड़का जो कि फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा हुआ है, पुलिस के सामने उसने यहां से छलांग लगा दी। पुलिस की मौजूदगी यहां पर है, इसको बच्चा चोर समझ करके दौड़ाया गया था और
पुलिस के सामने ही ये फ्लाईओवर से कूद गया। भागते भागते इस फ्लाईओवर पे पहुंचा और उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ गया और फिर देखते ही देखते उसने पुलिस के सामने यहां पर छलांग लगा दी। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा जौनपुर में हुआ है, जहां पर एक लड़के को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर दौड़ाया और उसके बाद ये इस तरह से फ्लाईओवर पर आया, उस पर चढ़ बैठा और फिर यहीं से ही नीचे इसने पुलिस की मौजूदगी में छलांग लगाई। फोर लेन का ये फ्लाईओवर है जिसके ऊपर ये चढ़ गया। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को औपचारिक तौर पर एनआईए टेक ओवर कर सकती है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल ने साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में टाइम बॉम्ब रखा था और जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हुए थे और तफ्तीश के दौरान इस आतंकी वारदात के जो तार है वो बिहार के मोतिहारी में हुए इस रेल हादसे के आरोपियों से जुड़े थे और साथ ही दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम इसमें सामने आया था। और अब तक जितनी तफ्तीश हुई है उसमें कालिंदी एक्सप्रेस के जिस डब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला था उसका कनेक्शन कन्नौज के छिबरा मऊ की दुकान का है और सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। तो कानपुर में सिलेंडर से ट्रेन के टकराने के मामले में एक्शन जारी है। पुलिस एटीएस की जांच एजेंसी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूछताछ कर रही है। शिवराजपुर टोल प्लाजा पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लिया है। तो कानपुर में ट्रेन पलटने की कोशिश हुई है, उस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक्शन में पुलिस और जांच एजेंसी है। कहा जा रहा है कि एनआईए इस मामले को टेक ओवर कर सकती है। 10 किलोमीटर के दायरे में पूछताछ चल रही है। शिवराजपुर टोल प्लाजा पर भी पुलिस पहुंची है और ये वो जगह जहां पर सिलेंडर और पेट्रोल भरी बोतल मिली थी। आतंकी संगठन पर शक गहराता जा रहा है। आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल जिस पर शक जताया जा रहा है कि यह घटना उसी की सोची समझी साजिश हो सकती है। लोन वुल्फ अटैक की कोशिश रेलवे को निशाना बनाकर यहां पर प्लान की गई थी। कन्नौज की दुकान से डब्बे का कनेक्शन सामने आया है, यह भी सोर्सेस से पता लगा है। एक्शन में पुलिस और जांच एजेंसी है। डब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला था। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की हर एंगल से जांच हो रही है। जिस तरह ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद हुआ उसके बाद आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, वहीं आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है। तो ट्रेन डीरेल करने के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इसके पीछे आईएसआई की साजिश भी हो सकती है। टेरर एंगल से अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच तेज हो गई है। साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस एटीएस आईबी के बाद एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसी को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। तो वहीं मामले में अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर दो जगहों पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिले हैं और सीमेंट के ब्लॉक का वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मिले सीमेंट के ब्लॉक और रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई, रेलवे कर्मचारियों से शिकायत की गई है। अजमेर में भी कानपुर जैसी साजिश नाकाम हुई है। यहां पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख दिए गए ट्रैक पर जिससे कि वहां से गुजरने वाली मालगाड़ी डीरेल हो जाए। रेलवे कर्मचारियों ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है।
और अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रोड क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। अमरोहा की यह घटना जहां पर आप देखिए एक महिला सड़क के किनारे जा रही है और उसके बाद तेज रफ्तार एक कार आती है, उसको उड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। ये महिला जो सड़क क्रॉस कर रही थी, पीछे से देखिए एक सफेद कार आई और उसको उड़ाते हुए चली गई। बताया जा रहा है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। और खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा ना करने वालों को बुरा ही लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि जब एसपी की सरकार थी तब क्या करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कोर्ट को रोकना पड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि एसपी की नीति नियत अच्छी नहीं थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अपराधी कभी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं। ये वही लोग हैं, गलती करेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए जनता बार बार ठोकर मार रही है। नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनुकूल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। यह 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई थी? कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नियत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है और वो परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है।